जय हिंद दोस्तों, मैं एमजेड खान खान श्री सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज क्विज 14 के क्वेश्चन लेकर आया हूं, लेकिन क्विज 14 से पहले क्विज 13 के हम आपको आंसर क्लियर कर देते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने दिया था क्विज 13 में, किस चित्रकार ने यथार्थवादी, घनवादी, प्रतीकवादी, कोलाज पद्धति पर काम किया है, यानी कार्य किया है? रजा हुसैन, सूजा गगनेन्द्र। फिर ध्यान देना, कहा मैंने यथार्थवादी, घनवादी, प्रतीकवादी, कोलाज पद्धति पर, यानी यहां पर बहुत सारे लोगों ने गगनेन लगा दिया, गलत आंसर है। सही आंसर, क्योंकि यथार्थ, घनवाद, प्रतीक और कोलाज सब पे काम करता हो, तो ऐसे में सही आंसर इसका है पहले का बी, और बी में क्या है, हुसैन, MF हुसैन, ठीक है। इन्होंने यथार्थवाद पर भी, इन्होंने घनवाद पर भी, इन्होंने प्रतीकवाद पर भी, और कोलाज पद्धति, कोलाज आप लोग जानते ही हैं, कोलाज क्या होता है, यानी कागज की कतरनों को काट करके जो चित्र बनाया जाए उसे कोलाज कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, क्या जर्मन की नासी सरकार ने किस कलाकार की कला को भ्रष्ट कला कहा था? एमिल नोल्डे, होल्डर, मुंख, पिकासो। जर्मन की नासी सरकार ने किस कलाकार की कला को भ्रष्ट कला कहा था? तो सही आंसर इसका एमिल नोल्डे। इनके 1052 चित्र जब्त भी कर लिए गए थे, तो इसका आंसर है दो का ए, और ए आंसर क्या है, एमिल नोल्डे। तीसरा क्या क्वेश्चन दिया है, अजंता की किस गुफा को चित्रशाला गुफा कहा जाता है? तो इसमें विकल्प दिया था, गुफा ए में दिया था, गुफा 2, गुफा 10, गुफा 17, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर सी है, गुफा 17, इसी को ही कहते हैं चित्रशाला गुफा। गुफा संख्या इसका सी होगा और आंसर होगा इसका गुफा 17। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, किस गुफा में केले का वृक्ष चित्र अंकित है? केले का वृक्ष की बात करते हैं, तो इसका सही आंसर होना चाहिए बाघ, अजंता बाघ, सिगरिया, एलोरा दिया है, सही आंसर होना चाहिए बाघ, यानी बी है बाघ। फिर चौथा क्या दिया है, कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है या कथन किसका है? तो ये कथन सभी आप लोग जानते हैं, ये है हीगल का, किसका है, हीगल का, इसका आंसर होगा ए, हीगल। तो एक बार फिर से क्लियर कर ले हम लोग, पहला हुसैन है बी, फिर दूसरे का आपका है ए, एमिल नोल्डे, तीसरे का आपका है सी, गुफा है, फिर चार का है आपका बी, बाघ है, और पांचवे का आंसर है ए, हीगल। तो दोस्तों, ये आपके पांच आंसर मैंने आपको क्लियर कर दिए, इसको एक बार आप अच्छी तरह देख लें, ये पांचों आंसर। अब आपके किन किन लोगों ने इसको सही आंसर दिया है, आइए इस पर हम लोग देख लेते हैं कि किन लोगों ने इसका सही आंसर दिया है, किन किन लोगों ने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सही आंसर देने वाले, सही उत्तर देने वाले, उत्तर देने वाले कौन कौन हैं। ऐसे में सही उत्तर देने वाले, पहला क्वेश्चन नंबर हम नाम लेते हैं, अरुण कुमार पाल ने दिया है आंसर हुसैन, फिर दूसरे का ए दिया है, तीसरे का 17 दिया है, चौथे का बाग दिया, और पांचवे का हीगल, वेरी गुड अरुण कुमार पाल, इन्होंने सही आंसर दिया है, अरुण कुमार पाल। फिर दूसरा किसने दिया सही आंसर है, फिर शशिकला ने, पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का सी, चौथे का बी, और पांचवे का ए, बिल्कुल सही है, शशिकला ने सही आंसर दिया है। फिर तीसरा व्यक्ति कौन हो सकता है, मनीषा ने पहले का डी, इनका गलत हो गया है, जगत पाल ने पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का सी, चौथे का बी, पांचवे का ए, बिल्कुल सही है जगत पाल, सही आंसर है आपका जगत पाल वर्मा। इसके बाद गणेश ने पहले का बी दिया है, दूसरे का ए दिया है, तीसरे का सी दिया है, चौथे का बी, और पांचवे का गणेश चौरसिया, सही आंसर इनका है गणेश चौरसिया, बिल्कुल सही आंसर है। फिर देवेंद्र कुशवाहा ने पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का सी, चौथे का बी, पांचवे का ए, बिल्कुल सही है पांचवा, देवेंद्र कुशवाहा,
बिल्कुल सही आंसर है। फिर लक्ष्मी ने पहले का डी गलत हो गया इनका, गजेंद्र ने पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का सी, चौथे का बी, पांचवे का ए, गजेंद्र कुमार का भी सही आंसर है। तो इसके बाद है 6 नंबर पे गजेंद्र कुमार, गजेंद्र कुमार। फिर इसके बाद राजेंद्र ने पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का सी, चौथे का बी और पांचवे का ए, 6 नंबर राजेंद्र कुमार ने सही आंसर दिया। उर्वैश ने पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का सी, चौथे का बी, पांचवे, ये भी सही है, उर्वैश ने भी सही आंसर दिया है। इसके बाद 7 के बाद 8 कौन है ये आपका उर्वैश सही आंसर दिया इन्होंने। और इसके बाद सेनपाई ने दिया है पहले का डी गलत हो गया है। तो आज बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है, जिनमें से आज आंसर देने वाले सही 8 लोग हैं, अरुण कुमार पाल, शशिकला, जगत पाल, गली। इनमें सबसे पहले आंसर किसने दिया था मैं देखना तो हूँ। इनमें सबसे पहले आंसर दिया है राजेंद्र, 3 दिन पहले जिसने दिया था, एक मनीषा का पहला गलती था, गलत हो गया था मनीषा का। और कौन सा फिर इसके बाद है आपका चलिए इसमें थोड़ा से टाइमिंग ज्यादा हो गई है इसलिए क्लियर नहीं हो पा रहा कि किसने पहला दिया है, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने सही आंसर दिया उनको बेस्ट ऑफ लक। आप लोग मेहनत करिए अच्छी तरह से और भी प्रयास करते रहिए और इसी तरह से आप लोग आंसर देते रहिए। आप ही लोगों से उम्मीद है कि आप लोग ही लगातार आंसर दे रहे हैं। जिन लोगों ने आंसर गलत किए हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि वो और मेहनत करें और अच्छी तरह से प्रयास करें, छोटे छोटे क्वेश्चन को गलती मत करें। अगर छोटे छोटे क्वेश्चन गलत होंगे तो आप बाहर हो जाएंगे। कभी टफ क्वेश्चन हो जाते, कभी आसान हो जाते, तो आपको हर तरह क्वेश्चन कवर करना, हर तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो चलिए आइए हम लोग आपको देखते हैं आज के जो क्वेश्चन नंबर 14 के यानी 14 के जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर है। ये आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन जो दिए हैं इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। मैंने दिया है पहला क्वेश्चन कि सर्वप्रथम कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था, इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आपको ये आंसर देना है, अध्यक्ष कौन थे सर्वप्रथम कलकत्ता अधिवेशन। तो आपको ये पहले तो पता करना है कि वो अधिवेशन कौन सा है और किस अधिवेशन में उस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। तो वंदे मातरम की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट विकल्प क्या दिया, रहमतुल्ला सयानी, बदरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नौरोजी, इनमें से कोई नहीं। दूसरा क्वेश्चन दिया है कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगान जनगण मनगण पहली बार गाया गया था, इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जनगण मनगण, एनी बेसेंट, लॉर्ड कैनिंग, डॉक्टर बिशन नारायण दर या तिलक। आपको ये बताना है कि कलकत्ता अधिवेशन, पहला तो ये जानना है कि वो कलकत्ता अधिवेशन कौन सा था, और अगर ये मालूम हो जाएगा तो फिर आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि कलकत्ता अधिवेशन का उस समय अध्यक्ष कौन था। तो ये आपको बताना है कि इनमें से कौन है सही। वर्तमान में ललित कला अकादमी दिल्ली के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में दिल्ली ललित कला अकादमी दिल्ली के अध्यक्ष कौन है? के चक्रवर्ती, रमेश सिंह, के कृष्णा या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज ललित कला अकादमी लखनऊ के सचिव कौन है? राज ललित कला अकादमी के सचिव कौन है? विकल्प दिया है डॉक्टर यशवंत सिंह राठौर, श्री सीताराम कश्यप, श्री गिरीश चंद्र या इनमें से कोई नहीं। मैंने क्या कहा सचिव कौन है, इसमें मैंने आपको बताया था
जनगण मंगल पहली बार गाया गया तो इसके अध्यक्ष कौन है, इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। चौथे वाले मैंने बताया था कि ललित कला अकादमी के अध्यक्ष, ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है। तीसरे वाले में, चौथे वाले मैंने बताया कि सचिव कौन है राज्य ललित कला अकादमी के। और पांचवे में आधुनिक ओलंपिया, आपको क्या बताना है, आधुनिक ओलंपिया, ये आधुनिक ओलंपिया चित्र किस पाश्चात कलाकार, किस पाश्चात चित्रकार का चित्र है, ठीक है, किस पाश्चात का चित्र है। माने, मोने, सेजान, वानगो, ये पांच क्वेश्चन मैंने दिया है। तो दोस्तों इन पांच क्वेश्चन को आपको आंसर बहुत ही सोच समझ के देना है। आप, मैंने थोड़ा सा आज दिया है कि वर्तमान से जुड़ के दिया है, इसी तरह कुछ वर्तमान के अध्यक्ष में लगातार आप लोग को देता जाऊंगा, आप लोग उसको ढूंढने का प्रयास करें, ढूंढेंगे तो आपको आंसर इसका मिलेगा। तो जो लोग नहीं दे रहे हैं वो भी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो भी आंसर दें, अधिक से अधिक लोग इसका आंसर दें, इसमें कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, सब समान है। गलती होती है बार बार, सबसे गलती होती, लेकिन धीरे धीरे आंसर देते जाएंगे तो आपको अंदर सुधार आता जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी लोग इसका आंसर दें। ये क्वेश्चन एक बार आप फिर से देख लें, आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का आपको आंसर देता है देना है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले इस वीडियो के बाद, यानी अगला वीडियो जो क्विज 15 आएगा उसमें हम आपको इसके आंसर क्लियर कराएंगे। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद, धन्यवाद। और एक बात और कहूँगा, जो नए लोग देख रहे हैं, जो नए लोग पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे ये रहेगा कि आपको, सिर्फ यही नहीं, मैं वेस्टर्न का वीडियो डालता हूँ जो कोई नहीं डालता, मैं डालता हूँ, वो आपको मिलेगा। समकालीन कलाकार मैंने बहुत सारे डाले हैं, जब आप उसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको दिखेगा, वो भी मैं डालता हूँ। हर प्रकार के वीडियो डालता हूँ जिससे आप लोग का कल्याण होता रहे। और यदि कोई ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहता है तो मेरी ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकता है। इसके लिए तुरंत उठाइए फ़ोन, मुझे कॉल करिए। क्योंकि ऑनलाइन जब क्लास आप करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं इसे तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ऑनलाइन क्लास में आपको लोगों को बताता हूँ और आपको भी बताऊँगा। सारे वीडियो सेफ रहते हैं, कोई वीडियो उसमें डिलीट नहीं होता है, उन सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने की संभावना है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी लोग जुड़ जाएँ और जल्दी से जल्दी जो है आप लोग तैयारी करते रहें और आज का आंसर देते रहें। चलिए जय हिंद, धन्यवाद।